पिनार, तुम गाड़ी में ही रुको और आसपास पर नजर रखना। ठीक है, मैं रखती हूँ। ये अपने एयर प्लग्स लो। साउंड चेक। सारी चीजें तैयार है ना? सारी चीजें तैयार है। ठीक है, तो फिर हमारे पहले मिशन के लिए ऑल द बेस्ट। ये भी खुला नहीं है क्या? कोई आ रहा है। तुम किसे ढूंढ रही हो बेटा? हम किसी को भी नहीं ढूंढ रहे हैं, बस ये चेक कर रहे हैं कि कहीं गैस तो नहीं लीक हो रही है। रूटीन वर्क कर रहे हैं। हमारा घर भी चेक करोगी क्या? कुछ देर में करेंगे चेक। मार्केट जाना है, मेरे जाने से पहले चेक कर लेना। ठीक है मैडम, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं खुल रहा तो ज्यादा कोशिश मत कर। रुको, ओजाई, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। हम कैमरा अंदर की तरफ दाखिल कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि अंदर कोई कैमरा या अलार्म सिस्टम तो नहीं। क्या मुझे भी दिखा सकती हो? दाएं तरफ घुमाओ, छत की तरफ घुमाकर जूम कर सकती हो? घुमाती हूँ। बाएं जानब घुमाओ आहिस्ता से और आहिस्ता से। बस यहां रुक जाओ। रुक जाओ, अभी घर में सेंसर डिवाइस मौजूद है। कुछ तो बोलो। ये जो सेंसर है किसी भी हरकत को महसूस कर सकता है। तुम लोगों के अंदर जाते ही तुम्हारी तस्वीर लेकर घर के मालिक तक पहुंचा देगा। इसका हल क्या है? देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा काम सिर्फ तजिया करना है। कहा भी था सर से कि साइबर ऑफिसर की जरूरत है। अगर हम बिजली काट दें? ये चार्जेबल है और घंटों तक काम कर सकता है, ये करना बेकार होगा। हमें फौरन इसका हल तलाश करना होगा। ओजाए, सब काम छोड़ के पहले इस पर ध्यान दो। एक हल है मगर इसमें बहुत खतरा है। हाँ बताओ। अगर आराम से मूव करो तो शायद सेंसर तुम्हारी मौजूदगी महसूस ना करे। कितना आहिस्ता? बहुत ज्यादा आहिस्ता, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपको लेट होगी। फिर मत कहिएगा मैंने आगाह नहीं किया, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। और कोई रास्ता नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। उसकी बात सुन ली हमने, हम में से कोई अंदर जाएगा और उस डिवाइस को कुछ देर के लिए बंद करेगा। ठीक है, मैं अंदर जाऊंगा। रुक जाओ मेरे भाई, मुझे अंदर जाने दो। एहतियात मेरी खासियत है, जाहिर है।
क्या कोई है वहां? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। हकीदाई बहुत आहिस्ता, जैसे तुम वहां हो ही नहीं। लेकिन हमें ये सब जरा जल्दी करना होगा। आहिस्ता ही, जल्दी पहले फैसला कर लो। बस ध्यान से। भाई, जब आपकी फैमिली को यह खबर मिली तो आपके बच्चे तो यकीनन हिल गए होंगे। उन्हें आदत पड़ जाएगी। कैसे उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी? मैं इतना बड़ा आदमी हूं लेकिन बाबा को खोने से डरता हूं। मैं बच्चा था शायद 7 या 8 साल का। मेरे दादा बहुत ही ज्यादा बीमार थे। वो हमारे साथ ही रहते थे। वो हर वक्त बस लेटे रहते थे, बड़ी मुश्किल से अपने पांव हिला पाते थे। उन्हें बाथरूम जाने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। एक दिन मेरे अंकल आए, वो अपने काम पर जाते हुए हमारे घर रुककर मेरी अम्मी की तबीयत पूछ रहे थे। जब दादा ने अपने बेटे की आवाज सुनी तो उन्हें कोई चीज नहीं रोक पाई। वो शदीद दर्द के बावजूद यहाँ वहां हाथ मारते हुए बेटे के पास जाने के लिए खड़े हो गए। धीरे धीरे वो दरवाजे तक जब पहुंचे तो अंकल जा चुके थे। वो बेचारे बूढ़े अकेले दरवाजे पर खड़े थे और किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। मैं उसी कमरे के सामने मौजूद था। मैं चुपके चुपके दरवाजे के कोने से अपने दादा को खड़ा देख रहा था। हाँ, मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि शेफ रमजान, तुम जल्दी मर जाओगे।
और उसके बाद फिर सब लोग कुछ दिन रोएंगे और फिर सोचने लगेंगे कि बैंगन के साथ मुसाका बना है या करनी रिंग। कहा कि मेरे दादा 10-15 दिन में मर जाएंगे। खुदा उनकी रूह को सुकून दे भाई। शुक्रिया, उन्होंने जैसा कहा था वैसा हुआ। सब कुछ दिन के लिए गमजदा हुए और खूब रोए, फिर अपनी जिंदगी पर मामूल की तरफ लौट गए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो आदि हो जाएंगे। तुम्हारी माँ और बाप दोनों इसके आदि हो जाएंगे और मेरे बच्चे भी। यकीनन वो अफसरदा होंगे, उन्हें शायद गम होगा, लेकिन वो इसके आदि हो जाएंगे। हम भी आदि हो जाएंगे। सब क्या कर रहे हैं? हम आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। चरण घर वापस आ रहे तो आप जानते हैं क्या करना है। प्रेसिडेंट ने हमें इत्तला दी है जहरा, तुम लोगों को फौरन घर से बाहर निकलना होगा, वो लड़की आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? कितना वक्त है हमारे पास? सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, तुम बस नजर रखना। हम 10 मिनट में निकल रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें निकलना ही होगा। हाँ कल, बहुत ही अर्जेंट है ये। मैंने कहा ना ये अहम है। जरा होल्ड करो, ग्राहक आया है, 1 मिनट में आता हूं मैं। क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये अच्छा लगा, क्या कीमत है इसकी? मैं इसे खरीद सकता हूं?
299। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। रुकिए जरा, मेरे ख्याल में असली नहीं है, है ना? यार भाई, मैंने आपसे कहा ना, ये 299 का है। आपको इतनी छोटी दुकान में असली पत्थर कहां से मिलेगा? वो सिर्फ आपको टॉप केपी महल में ही मिल सकता है। ठीक है, फिर मैं वहीं जाकर देख लेता हूं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। वो पास्कल को इंसानों की स्मगलिंग करने वालों के जरिए मुल्क से बाहर भेजने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक पता भेजता हूं, वहां जाओ, वो सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है। उस लड़की की गाड़ी गली में दाखिल हो रही है, तुम लोगों को फौरन वहां से बाहर निकलना है। उसे घर में दाखिल मत होने देना, हम 5 मिनट में बाहर निकल जाएंगे। हमें जल्दी निकलना होगा। मेरा इंतजार करोगे तो सब पकड़े जाएंगे, तुम लोग निकल जाओ। रुकिए, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। छोड़ दे, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। क्या आपको यकीन है मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलवा सकती हूँ? नहीं, बस आप रुक जाए कुछ देर। ठीक है। सांस अंदर लीजिए किस तरह, और फिर आराम से बाहर छोड़िए। क्या इस तरह? अपनी नाक से सांस लीजिए। क्या हो रहा है मुझे? मैडम आप ठीक तो है ना? आप लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की अब तक? चले हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जरूरत नहीं, क्योंकि मैं करती हूँ कॉल। बिल्कुल इस तरह बेहतर हूँ। ये अच्छा है आपके लिए, सांस लेना मत छोड़िए। इस तरह? हाँ बिल्कुल इस तरह, और आराम से। बेहतर लग रहा है। अब अच्छा महसूस कर रही हैं आप? मुझे देखने दे, मैं नर्स हूँ। क्या आपको हमल का दर्द हो रहा है? नहीं, अब बेहतर लग रहा है। जल्दी करो अकीदा, मैंने जल्दी की तो सब मारे जाएंगे। जल्दी नहीं, बहुत आराम से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पानी पिलाएं इन्हें। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आराम से उठिएगा, आराम से उठिएगा, आराम से। आप चल तो सकती हैं ना? हाँ बिल्कुल चल सकती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे आपको। वो बस अपने गार्डन में दाखिल होने वाली है। जल्दी करो, जल्दी। मेरा इंतजार मत करो, निकल जाओ वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जाओ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। वो अपने गार्डन में दाखिल हो गई, अंदर आ चुकी है वो। ज़हरा मैडम, हमें निकलना है। दरवाजे का सेंसर एक्टिवेट हो गया है। Thank you.
लगता है वो पकड़ा गया। अगर ऐसा हुआ है तो हम अंदर जाएंगे और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उस लड़की की बाहर जरूरत है। अब जबकि सब यहाँ मौजूद है तो हम जा सकते हैं। यार, हम यहाँ यही तवक्को कर रहे थे। पहले तो ये बताओ, तुम वहां से निकले कैसे? बस छोड़ो। मुझे सब कुछ ठीक है ना? कैमरे ने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से आपका अंदाजा गलत है। काश के सूरत हाल ऐसी ही होती। आपके तजस्सुस को खत्म करने के लिए इतना ही कह सकता हूं कि यह सब एक खूबसूरत रोमानवी कहानी की तरह शुरू हुआ था। जो होना था हो चुका। यह काफी अच्छी जगह है मिस्टर प्रेसिडेंट। सरदार, इस टीम का हर फर्द जहाज के हादसे में मर चुका है आज सुबह। कितने खुशनसीब हैं ये लोग। वैसे मैं कब मर रहा हूं? तुम अभी जिंदा रहोगे सरदार, क्योंकि तुम्हारा जैरिन के साथ ताल्लुक हमारे लिए अहम है, ऊपर वालों तक पहुंचने के लिए। मगर सर, आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब तुम्हें भी इस पर भरोसा करना होगा, जैसा कि मुझे इस पर है। अगर मेरा प्रेसिडेंट ऐसा कह रहा है तो मेरे लिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं। खुशामदीद मेरे भाई। मेरे लिए भी बात खत्म। खुशामदीद। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हम अब तक अपने इंजीनियर्स का बदला नहीं ले सके और न ही उस आदमी को पकड़ सके। अगर हम जैरन का पीछा करेंगे तो हो सकता है किसी कनेक्शन का पता चले। पास्कल अब भी यही है। कल वो बैरून मुल्क फरार होगा। आप ये कैसे जानते हैं? सरदार ने पता लगा है। हाँ, यह है वो आदमी। इसकी चांदी की दुकान है और साथ ही इंसानों की भी स्मगलिंग करता है। ये मुहाजिरों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजवाता है और यही हमारा हदफ है। हकी इस आदमी का पीछा करो। ये कब और कहां जाता है जो चाहे करो, फरार मत होने देना। जैसा आप कहें मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें एक कंप्यूटर जीनियस के साथ साथ एक हैकर की भी जरूरत है। हरगिज नहीं जहरा। मैं ये नहीं कर सकता सर। आप जब भी मुझे इस तरह का काम देते हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ, खुद को कसूरवार समझने लगता हूँ, परेशान हो जाता हूँ बहुत और मेरे सर की नसें फटने लगती हैं। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, मुझे एक आदमी की जरूरत है। ओजाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी समझ नहीं आता कि हम उस स्मगलर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। क्यों हम उसे यहाँ पर लाकर नहीं पूछते कि पास्कल कहाँ है? कैसे कह सकते हो कि वो बताएगा? उसे मारेंगे। और इस बात का कैसे पता चलेगा कि वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा? हम उसे और मारेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं? हुल्की, हम पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहते। हमें पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आना चाहिए। हम इस तरह काम करते हैं। आपको याद दिलाने की जरूरत है कि ये ऐसा ही है? नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे सब याद आ गया अपनी आती जाती सांसों की तरह। अच्छा है, तुम अपने कामों को जारी रखो, हम आज रात बात करेंगे। सर, मैं उस शख्स को लेकर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। बैठ जाओ। तुम्हारे एहसासात की कोई अहमियत नहीं। लेकिन सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मैंने इस मिशन के लिए अपनी बेटी को छोड़ा है। अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं ये नहीं चाहती कि हम हार जाएं। और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई भी यहां से किसी सीक्रेट एजेंसी को हमारी कोई भी मालूमात पहुंचाए। जहरा, उस पर भरोसा करना होगा, कोई और चारा नहीं। मैं उस पर शक नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। ये रियासत मुझे हर चीज को शक की निगाह से देखने की तनख्वाह देती है। शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन मुझे अच्छा लगा।
अब तुम जा सकते हो। मैं जेल जाने वाली हूं, हमें उसकी जरूरत है। मैं तुम्हारे जिद्दीपन का कुछ नहीं कर सकता, जो चाहो वो करो, बस मुझे इससे दूर रखना तुम। क्या तुम जानती हो आज उन्होंने मुझे पॉलीग्राफ पर रखा था? नहीं। तुम नहीं जानती, और तुम ये भी नहीं जानती होगी कि मैंने मशीन को भी धोखा दे दिया। कहने का मतलब ये कि मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, ये बात जहन में रखना। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? दर्द की कुछ किस्में होती हैं, ऐसी किस्में जिनका हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो हमसे सब उगलवा देती हैं। मैं उन सबसे मिल चुका हूं जब मैं सिर्फ एक बच्चा था मिस जहरा। इंतजार करके देखेंगे, मेरी नजर तुम पर रहेगी। कोई मसला नहीं, औरतों की मुझ पर रखी हुई हर नजर का आदी हूं मैं। मुझे एक चीज का तजस्सुस है, जब तुम मिशन से वापस आए थे तो क्या उसने तुम्हें बताया था कि उसने तुम्हें कितना याद किया?